दोस्तों मैं हर बार कहता हूं कि कोई भी मुस्लिम हो उसके घर में कुरान होती है, वो उसको पढ़ता भी है और बच्चों को भी पढ़ाता है। कोई भी ईसाई हो उसके घर में बाइबिल होती है, वो स्वयं भी पढ़ता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है। सिख भी गुरुवाणी के लिए ऐसा ही भाव रखता है, लेकिन हम सब हिंदू लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं या फिर वो हमारे शहरों में मिल ही नहीं पाते हैं। हमने एकदम सुलभ तरीके से आप तक घर बैठे यह सत्य साहित्य पहुंचाने का प्रयास किया है, एक छोटा सा गिलहरी प्रयास है। आपके इतिहास से आप रूबरू होंगे, आपके धर्म से आप रूबरू होंगे। मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में सनातन हार्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और अभी अपनी मनपसंद पुस्तक खरीद लीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पूरे विश्व में आज तीसरे विश्व युद्ध की आहट आ रही है। यहां भारतवर्ष में जो चुनाव चल रहे हैं वो तो एक युद्ध की भांति है ही, वो तो युद्ध स्तर पर चल ही रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व की निगाहें आज तृतीय विश्व युद्ध की तरफ अटकी हुई हैं। वो लोग जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है, उन लोगों के सामने काफी सारे ऐसे उदाहरण आ चुके जिनसे हम ये बात सिद्ध भी कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि जब बॉर्डर पर किसान डटे हुए थे अपने आड़ती अधिकारों के लिए, आड़तियों ने भोले भाले किसानों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया था, उस समय पर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो कह रहे थे कि भारत के अंदर यह अत्याचार हो रहा है, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के नागरिकों को एक बड़े अभिभावक होने के नाते माफ कर दिया, उनकी वो गलती भी माफ कर दी जो लाल किले पर चढ़ करके उन्होंने उत्पात मचाया था। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा का प्रधानमंत्री कुछ ट्रकर्स के स्ट्राइक के तुरंत बाद ही देश छोड़कर के भाग जाता है। यही नहीं, अपने आंदोलनकारियों को घोड़ों के नीचे रौंदवा देता है, जेल में ठुसवा देता है और वहां पर आपातकाल घोषित कर देता है। वो लोग जो ट्रूडो की वाहवाही कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हमारा प्रधानमंत्री तो ट्रूडो ही है, वो लोग आज पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जरूरी है के नारे लगा रहे हैं। वो लोग जो कह रहे थे कि दीप सिद्धू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त है, वही आज उसकी शव यात्रा अंतिम यात्रा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राकेश टिकैत आपको कहीं दिखाई दिया क्या? आपको कहीं पर भी दीप सिद्धू को कंडोलेंस देने वाले लोगों में जो लाइन लगी पड़ी है खालिस्तानियों की, उनको एक भी शब्द कहते हुए राकेश टिकैत दिखाई दिया क्या? राकेश टिकैत की डिमांड इस समय पर रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर है। लोगों की डिमांड है कि वहां पर अरफा खानूम शेरवानी, राकेश टिकैत, अजीत अंजुम, मियां खलीफा और एक और नचनिया है और एक इन्वायरमेंटलिस्ट कोई दो छोटी वाली बच्ची है, इन सबकी काफी डिमांड हुई है कि वहां पर जाएं और बॉर्डर्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दें। अब बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है भला? आज यूक्रेन का खुद का जो राष्ट्रपति है वो देश छोड़ करके भाग गया है। कितना कमजोर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी कि इतनी सारी आपात स्थितियां आई लेकिन देश में ही डटा रहा। ये वही प्रधानमंत्री है जो हमेशा विदेश में जाता था, यात्राएं करता था, लेकिन इस दौरान तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। जो अपने देश से बाहर ही नहीं निकला, कहीं पर गया ही नहीं, वो तो कमजोर प्रधानमंत्री होगा ही। आज उस प्रधानमंत्री से यूक्रेन ब्रह्मोस मांग रहा है, और वो प्रधानमंत्री जिसने कि इस देश के हथियार सबसे पहले खरीदे, यही नहीं इसी देश के अंदर हथियार बनाए और दूसरे देशों को बेचे, कई हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया। भला कौन मजबूत प्रधानमंत्री ऐसा कार्य कर सकता है? आज यूक्रेन और रूस भारत से चरखे नहीं मंगवा रहे, वो यहां से या तो सलाह मांग रहे हैं या तो हथियार मांग रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री से कोई इतना बड़ा राष्ट्राध्यक्ष
जिसको हम पुतिन कह रहे हैं, वह आधे घंटे तक बात करता है। कितना कमजोर प्रधानमंत्री हमारे देश का, आधे घंटे, भला सिर्फ आधे घंटे ही बात की। कमजोर प्रधानमंत्री, निहायत ही कमजोर प्रधानमंत्री। यूक्रेन का राजदूत कह रहा है कि पूरे विश्व में यदि कोई इनिशिएटिव ले सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, रूस के राष्ट्र अध्यक्ष को मनाने के लिए, पुतिन को मनाने के लिए यदि कोई व्यक्ति, एकमात्र एक व्यक्ति है, तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। बताइए कमजोरी की पहचान, कि यूक्रेन का राजदूत इस बात को कह रहा है, यही है कमजोरी की पहचान। नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। और यही नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी इस बात को कह रहा है कि हम भारत से बात करेंगे, कि वो रूस से बात करे, कि इस युद्ध को टाला जा सके। और भारत में किससे बात होगी वह आपको भी पता है। लेकिन यही तो कमजोरी की निशानियां हैं। आज भारतवर्ष की तरफ पूरा विश्व देख रहा है, यही भारत की मजबूती है। आज यूक्रेन को भी इस बात का पता लग गया कि पेट्रोल सस्ता देने से देश की रक्षा नहीं होती। आज यूक्रेन को भी पता लग गया कि पेट्रोल पीकर कोई ताकतवर नहीं होता जब तक उसके सैनिकों के पास में हथियार नहीं होते हैं। आज भारतवर्ष को भी पता लग रहा है कि पेट्रोल पीकर के शरीर नहीं चलते, शरीर तब चलते हैं जब बॉर्डर पर असलहा पूरा होता है, जब सैनिकों के हाथ में हथियार पूरे होते हैं और कवच कुंडल बहुत मजबूती से उनके सहयोग में खड़े हों, जब उनका पूरा अस्तबल, उनके रथ, उनके हाथी मजबूत हो, जब उनकी युद्ध शैली मजबूत हो, जब उनके आग्नेयास्त्र मजबूत हो, जब उनके अस्त्र और शस्त्र मजबूत हो, तभी कोई भी देश के जो आम नागरिक हैं वो चैन की नींद सो सकते हैं। यह कोई आज की नहीं, यह तो विश्व के, सृष्टि के आरंभ से बना हुआ नियम है कि जिस देश की सेना जितनी मजबूत होगी वह देश उतना ही सुरक्षित होगा। लेकिन आज जरा खुद सोचिए कि रूस की तरफ कौन कौन से देश हैं और यूक्रेन की तरफ कौन कौन से देश हैं। मेरे पास में एक वीडियो आया और उस वीडियो में दिखाया गया, बताया गया कि यह और कुछ भी नहीं है बल्कि नेटो और यूएस के द्वारा यूक्रेन को भेजे जाने वाली राहत सामग्री है। और यही हो भी रहा है, यही हो भी रहा है कि ये सारे के सारे देश आराम से बैठ करके देख रहे हैं। और रशिया कह रहा है कि हम ये आजादी कोई चरखा चला करके नहीं लेंगे, ये साबरमती के संत बन करके कोई आजादी नहीं आती, एक गाल पर थप्पड़ खा करके दूसरा गाल आगे करने से आजादी नहीं मिलती है। यदि हमें अखंड रशिया का निर्माण करना है तो युद्ध ही एकमात्र उसका उपाय है। और यह संदेश भारतवर्ष को भी मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कड़े शब्दों में भारत ने इसकी निंदा क्यों नहीं की, भला क्यों करे, वो क्यों करे। रशिया जब खंडित हुआ तो उसको वापस से प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है और वो है युद्ध। कमजोर पड़ोसी हमेशा इसी प्रकार अपनी भूमि हारता है रणभूमि में। और नेहरू ने इसी प्रकार हमारे भारतवर्ष की काफी सारी भूमि हारी है। आज यदि पीओके को प्राप्त करने का कोई अवसर है तो वो तरीका यही है। यूएन के पास में समय नहीं है अफगानिस्तान में मारे जाने वाले लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए, उसके पास में समय नहीं है कि म्यांमार में जो लोग मारे जा रहे हैं उन पर वो आवाज उठा सके, उसके पास समय नहीं है कि श्रीलंका में मारे जाने वाले मुसलमानों की आवाज उठा सके, उसके पास में समय नहीं है कि चीन में जो उइगरों का नरसंहार चल रहा है वो उस पर आवाज उठा सके। उसके पास में समय है तो केवल इस बात के लिए कि जब 2.25 करोड़ रुपए छापे में पकड़े जाते हैं राणा अय्यूब के पास से, तो उस पर यूं चुटकी में ट्वीट करने का समय उसके पास में है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी नपुंसक संस्था है। और हमें भी पता है कि यह संस्था उस समय पर भी कुछ भी नहीं करेगी, जैसा कि उसने किया भी नहीं आजादी से लेकर अभी तक, कि पीओके के वापस भारत में सम्मिलित किया जा सके।
उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आप ये बात ठान लीजिए कि जिस समय पर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, युद्ध छिड़ेगा, पीओके के ऊपर कब्जा होकर रहेगा, आज पाकिस्तान भले ही किसी का भी साथ दे ले, भले ही किसी के भी सपोर्ट में खड़े हो जाए, लेकिन उसको भी पता है कि तेरी औकात क्या है, उसको भी अभी इसमें अपनी टांग और नाक घुसेड़ने के जुर्म में बड़ा फाइन भरना पड़ रहा है। आज पूरे विश्व के सामने यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि आज भारत का नेतृत्व कितना मजबूत है और पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। भारत को बिना अपना फायदा देखे किसी का भी पक्ष और विपक्ष नहीं लेना चाहिए, और यही सब चल भी रहा है। अफवाहें बहुत उड़ेंगी कि वहां से छात्रों को नहीं लाया जा रहा, उनसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें कि जिस गाड़ी के ऊपर तिरंगा लग जाएगा उसको रूस जरा भी खरोंच नहीं पहुंचाएगा। और ये वही यूक्रेन है जिसने आतंकवाद से समझौता किया, जिसने आज भी पाकिस्तान से हाथ मिलाया और जिसने 98 में भारत के 5 परमाणु बम परीक्षणों के बाद भारत का विरोध किया था और पूरे विश्व से इसको अलग थलग करने का जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने रचा था उसमें भी सहयोग किया था। आज भारत यदि विश्व की शक्ति बनकर के उभर रहा है तो उसको इसी प्रकार से उभरने दीजिए, उसकी शक्ति बनिए, उसकी आवाज बनिए, उसकी ताकत बनिए और उसका ओज और तेज बनिए, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि जब हम अपना खोया हुआ वैभव वापस से प्राप्त कर सकते हैं। आज वो समय आ गया है कि जब हम अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मगौरव वापस रिक्लेम कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, ये होगा तो जरूर, लेकिन विश्व में जब जब भी इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में फंसे हुए पीओके नाम के टुकड़े की, सबको याद आएगी, सबको गलवान घाटी की याद आएगी, सबको सियाचिन की भी याद आएगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, यदि आपको भी लगता है कि आजादी चरखा चलाने या दूसरा गाल सामने करने से नहीं आती, साबरमती के संत ने केवल नेहरू को प्रधानमंत्री और उसकी अगली पीढ़ियों को यहां का राज करने के लिए केवल और केवल मात्र एक षड्यंत्र रचा था, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।